मैडम भूख ब्रेक एकदम से लग गई इसलिए। अच्छा, ब्रेक तुम्हारे लिए स्पेशल लगी है, और कोई तो मेरे ऊपर आकर नहीं गिरा, तुम्हें क्यों गिरे? सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया, आपको इतनी जल्दी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब पर तुम जैसे लड़कों को ना पुलिस के हवाले करना चाहिए, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम तो डेली बस में लड़कियों को छेड़ने आते होंगे ना? हम आपको कुछ भी बोले जा रहे हो, बकवास करने की जरूरत नहीं है। एक तो लड़की छेड़ रहा है और ऊपर से बहस भी कर रहा है। लेकिन मेरी गलती नहीं है, इन्होंने बिना बात के थप्पड़ मारा है। ये तो मैडम ने थप्पड़ मारा है, अगर इनको सॉरी नहीं बोला ना तो जितनी पब्लिक बस में बैठे ना उतनी सब तुझे थप्पड़ मारेगी। सॉरी बोल इनको। मैंने सॉरी बोल ही रहा था, उससे पहले ही इन्होंने थप्पड़ मार दिया। सुपरमैन पुलिस को नहीं बुलाया, बेहतर ये होगा सॉरी बोल दे। लड़की के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है ना? अरे पहले एक अच्छा इंसान बन, सही को सही और गलत को गलत बोलना सीख। और मैडम आप ये सब करने आते हो बस में, लड़कों को छेड़ने? नहीं, वो एकदम से ब्रेक लग गया। क्या ब्रेक लग गए थे? आपके लिए स्पेशल लगी है क्या? और कोई तो नहीं गिरा मेरे ऊपर? अरे तुम जैसी लड़की को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम ये लड़के छेड़ने का ना बहाना ढूंढती हो। तुमने भी तो बिना सोचे समझे मुझे थप्पड़ मारा था, तब क्या हुआ था? पर ये थप्पड़ जो मैंने मारा है ना मैडम, ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं करना चाहिए।